नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सभी लोग? तो अपने स्पेशल टॉपिक से चल रही थी, उसके अंदर आज हमने पढ़ेंगे करंट डिवाइडेशन रूल क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशल टॉपिक सीरीज के अंदर, इसके अंदर आज हमने पढ़ेंगे करंट डिवाइडेशन रूल क्या होता है, धारा विभाजक नियम क्या होता है, या हिंदी में आप लोग क्या बोल सकते हो, इंग्लिश में करंट डिवाइडेशन रूल बोल सकते हो और हिंदी में धारा विभाजन रूल। तो ये नियम क्या कहता है? देखो, पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो आपने वोल्टेज डिवाइडेशन रूल पढ़ा था कि वो सीरीज सर्किट के अंदर काम करता है, उसी तरीके से आपको ये बात याद रखनी है कि जो करंट डिवाइडेशन रूल है ये जो समांतर सर्किट होते हैं उनमें काम करता है। ये नियम क्या कहता है कि मान लेते हैं अपने पास एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये दो रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं 10 ओम का, ये मान लेते कितने ओम का, 20 ओम का, और आपने काम किया गया इनको किसी भी सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 वोल्ट। अब इसके अंदर कितनी करंट जाएगी और इसके अंदर कितनी करंट जाएगी वो डिपेंड करेगा कि इनके अंदर जो इनका जो रेजिस्टेंस होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपको पता है कि आई जो होगा वो क्या होता है, वी अपॉन में आर होगा। अगर वोल्टेज इनको सेम मिल रही है तो करंट जो होगी वो इनके रेजिस्टेंस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां जो आएगी वो 3 एम्पियर आएगी और यहां अगर हमें देखेंगे तो 30/2 यानी कि 1.5 एम्पियर आएगी। तो इसको आप लोग देखो, ये तो आपने बेसिकली ओम के नियम से कर दिया, इसको ओम के नियम से आप लोग कर सकते हो। अगर यहां आपको करंट डिवाइडेशन रूल लगाना है तो उस तरीके से आप लोग कैसे करेंगे उसको देखो। तो यहां हमने देखो करंट डिवाइडेशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास टोटल करंट है, अगर आपके पास टोटल करंट है तो इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट जाएगी या इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट जाएगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी उसको आज हमें देखेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां क्या है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं ये आई है और ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है क्या R2। फिर हमने इसको सिंपल मेथड से भी करके देखेंगे, इसके अंदर जो करंट है वो I1 और इसके अंदर करंट जो है वो I2 है। अगर आपको I1 का मान निकालना है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितनी जा रही है तो यहां अपने काम क्या करेंगे, जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों का ऐड करेंगे और इंटू कर देंगे जो टोटल करंट है उसको। तो यहां से जो इसके अंदर जो I1 होगी वो ये होगी। अगर I2 का मान निकालना चाहते हैं तो I2 का मान निकालने के लिए यहां R1 रखेंगे, बाकी जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, उसको आप लोग किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो I जो है इसका मान लेते हैं 10 एम्पियर और ये मान लेते हैं ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये मान लेते हैं 7 ओम का। अगर आपको I1 का मान चाहिए तो इसको आप लोग इस तरीके को फॉलो करोगे। देखो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 7, नीचे दोनों का जोड़ करेंगे और इंटू कर देंगे टोटल करंट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो I1 का मान आ जाएगा 7 एम्पियर और I2 का मान आपको पता 3 ही होगा, टोटल 10 थी तो इसके अंदर 7 जाएगी, इसमें कितनी जाएगी 3 जाएगी। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि जो करंट जो होगी दोनों के अंदर वो इनके रेजिस्टेंस के विपरीत चल रही है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है। डायग्राम से भी पता चल रहा है और यहां से भी आप लोगों को पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके रेजिस्टेंस का अगर आप अनुपात बनाते हो, क्योंकि ये वैल्यू से कटेगा नहीं, तो यहां रेजिस्टेंस का जो अनुपात बढ़ेगा R1 और R2 का जो अनुपात बनेगा वो 3:7 होगा। इसका मतलब I1 और I2 का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 7:3 क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब टोटल करंट आपके पास कितनी है, 10 है और यहां टोटल करंट कितनी बनेगी, 10। तो इस 10 एम्पियर के 10 टुकड़े करेंगे यहां से, तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 एम्पियर के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको इसके अंदर करंट चाहिए, ये टुकड़ा कितना होगा, ये 7 होगा और I2 कितना होगा, 3 होगा। तो I1 का मान कर देंगे 7:1 और I2 का मान कर देंगे 7:3:1। इसका मतलब यहां 7 एम्पियर करंट होगा, यहां कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। इस तरीके से आप लोग काम क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को बिना याद रखे आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको करंट दे रखे तब ये काम करना है, अगर आपको वोल्टेज दे रखी है तो आप लोग ओम के नियम से भी कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद देखें, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपने तीन जो रेजिस्टेंस होंगे उन पर किस तरीके का होगा उस तरीके से देखेंगे।
इसके अलावा एक चीज देखो, इसी सवाल को अपने दूसरे तरीके से करके देखते हैं, एक मेथड और बता देता हूँ। ये तीनों अंक है और ये कितने अंक है, ये सात अंक है, और यहां जो आपको पता है कि करंट है वो कितनी है, 10 एम्पीयर है। तो आप लोग इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, वी बराबर करेंगे आई इंटू आर, आई का मान 10 है और आर दोनों समांतर में, तो इसका मतलब इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो, एलसीएम 21 आएगा, यहाँ 7+3 यानी कि 21/10 होगा, तो इस आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 21/10, तो वोल्टेज जो आ जाएगी वो यहाँ कितनी आ जाएगी 21 वोल्ट। अब आपको पता है कि ये 3 ओम का है और एक जो है वो कितने ओम का है, 7 ओम का है, और वोल्टेज कितनी आ गई 21। इसका मतलब इसके अंदर करंट जाएगी वो आपको पता है 7 एम्पीयर जाएगी और यहां कितनी आएगी 3 एम्पीयर। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या है कर सकते हो। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर जैसे आपको काम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपने, कि जैसे ये अपने पास एक रेजिस्टेंस ही है और अब के बाद 3 रेजिस्टेंस के ऊपर करेंगे इसको, फिर मैं आपको इसका करने का मेथड बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसको शॉर्ट में कर सकते हो। और यहां अपने मान लेते हैं करंट सोर्स है और ये मान लेते हैं 10, या इसको मान लेते हैं 10, 12 और ये क्या 15, 3 रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और यहां मान लेते हैं कि 10 एम्पीयर की करंट है, ठीक है, और ये I1, I2 और I3 आपसे इस तरीके से पूछ रहे हैं कि I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा, I3 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको काम क्या करेंगे अपने, उस तरीके से करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले वोल्टेज ज्ञात करेंगे, उसके बाद वोल्टेज आपको पता है तीनों समांतर में, तो यहां जो वोल्टेज होगी वो तीनों पर सेम रहेगी। तो वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है वी बराबर क्या करेंगे, आई आर करेंगे, आई का मान आपको पता है 10 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस निकाल रहे तो तीनों समांतर क्रम के अंदर है, तो एलसीएम अगर इसका लेंगे तो यहां आएगा अपने पास कितना 60 आएगा, और यहां बचेगा 6, यहां 5 और यहां आएगा 4, 1/r का मान है, r का मान निकालेंगे तो ये 60 और यहां बचेगा कितना 10, 4, 15 और यहां r का मान आ जाएगा अपने पास 4। तो यहां आपको पता चल चुका है कि वोल्टेज का जो मान है वो कितनी वोल्टेज है, 40 वोल्ट है। अब आपको पता है कि इसके अंदर चाहिए तो आपको पता है 40 वोल्टेज यहां होगी, 40 यहां होगी और 40 यहां होगी, तीनों समांतर क्रम के अंदर है, तो यहां 4 एम्पीयर करंट होगी और इसको 40/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको या 4 से कर देते हैं तो ये 10/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 3.33 आ जाएगी करंट का मान। इसको अगर अपने करके देखेंगे तो 40/15 करेंगे, 5 से काटेंगे तो 8 बट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 8.3 एम्पीयर इसके अंदर करंट का मान होगा, और 8.3 का करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 दो 6 और 2.66। इस तरीके से इनके अंदर क्या करोगे आप करंट का मान वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो दूसरा मेथड होगा वो देखो कैसे होगा, उसके बाद देखें इस तरीके से आप लोग काम क्या कर सकते हो, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट का मान आप मेजर कर सकते हो अगर आपको वोल्टेज नहीं पता। ये एक ऐसा तरीका जो आप लोग ओम के नियम से भी आसानी से निकाल सकते हो, तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे। उसके बाद देखें मान लेते अपने पास क्या कर दिया कि एक रेजिस्टेंस दे दिया आपको यहां पे इस तरीके का, और एक रेजिस्टेंस आपको यहां दे दिया और यहां आपको दे दिया कि 10 एम्पीयर की करंट है, और इस रेजिस्टेंस का मान आपको दे दिया जैसे 2 ओम दे दिया और इसके अंदर करंट का मान दे दिया आपको 4 एम्पीयर, और यहां आपको बोल दिया कि इस रेजिस्टेंस का मान बताओ क्या होगा। तो इसका भी निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करोगे। आपको पता है कि यहां 10 एम्पीयर की करंट है, 4 अगर इसके अंदर जा रही है तो 6 इसके अंदर जाएगी, और आपको R निकालना है तो R बराबर आपको पता है V/I में आई होगा। इसका मतलब आपको यह चीज तो पता चल चुका है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट का मान है वो 6 एम्पीयर है, लेकिन यहां वोल्टेज का मान नहीं पता। तो वोल्टेज का मान निकालने के लिए काम क्या करेंगे कि 2 एम्पीयर का यहां रेजिस्टेंस है और 4 एम्पीयर की करंट जा रही है, इसका मतलब इस पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो यहां 8 वोल्ट इस पर होगी तो वही इस पर होगी, तो 8/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 यानी कि 1.33 ओम का ये क्या रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर इसके अंदर 6 एम्पीयर की करंट जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग काम क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखें, अगर मान लें
अपने पास क्या है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस या अपने काम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं और यहां मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं 6 ओम का, ये 4 ओम का और ये मान लेते हैं 20 ओम का, और यहां मैंने सप्लाई या करंट दे देता हूं मैं यहां पे, यहां अपने दे देते हैं 12 एम्पीयर। अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर करंट का मान कितना होगा, इसके अंदर करंट का मान कितना होगा, तो या तो आप लोग काम क्या कर सकते हो, जिस तरीके से आपको मैंने पहले बताया था कि वोल्टेज का मान निकाल लो और फिर आप लोग इनको कर सकते हो, या अपने काम क्या करेंगे, करंट डिवाइडेशन का रूल लगा देते हैं कि अगर आपको केवल 6 ओम के अंदर पूछ रहा है या 20 ओम के अंदर पूछ रहे हैं या 4 ओम, बाकी ऐसे सवाल जब आएंगे तो आपको किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर भी वो क्या करेगा पूछेगा। मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि 4 ओम में धारा का मान क्या होगा, तो I का मान निकालने के लिए आपको पता है कि इसका इसके अंदर करंट चाहिए, दोनों कैसे जुड़े हैं सीरीज के अंदर, तो 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, टोटल कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस 30। ये आपको मैंने पहले बताया था कि इनका जुड़ेगा और इसके अंदर अगर करंट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे इनटू क्या कर देंगे टोटल करंट, टोटल करंट कितनी है 12। इसको जब अपने डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ आई का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 8 एम्पीयर। इसका मतलब यहाँ 8 एम्पीयर की करंट होगी और यहाँ कितनी होगी 4 एम्पीयर की करंट होगी। और वैसे भी आप लोग काम क्या कर सकते हो, इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का, यहाँ वोल्टेज आप कितने, सॉरी करंट सोर्स कितना है, ये 12 एम्पीयर का, और ये आप लोग वोल्टेज से भी कर सकते हो। अब आपको पता है कि दोनों का रेजिस्टेंस है वो 1:2 है, यानी कि इसमें जो करंट चलेगी I1 और जो I2 होगी, I1 और I2 का जो अनुपात रहेगा यहाँ से वो 2:1 रहेगा, मतलब करंट को 3 टुकड़े करने हैं आपको, तो 12 के 3 टुकड़े करेंगे तो 3 बराबर 12, 1 टुकड़ा कितना हो जाएगा 4 एम्पीयर का हो जाएगा। I1 का मान निकालना है तो इसको काम क्या करेंगे 4:2 कर देंगे, और I2 का मान निकालना है तो 4:1 कर देंगे, तो ये 8 एम्पीयर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 एम्पीयर। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय जवाहर।